अपना एजुकेशन, अपने स्किल सेट को बनाओ, सक्सेस अपने आप हो जाएगा, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। तो मैं वो चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि अपनी लर्निंग रोज 1% 2% इंक्रीज करूँ। रियल इस्टेट के लिए नया सीखना, कंसल्टेंट के लिए नया सीखना, आज एक प्रोडक्ट सीखा, कल दूसरा सीखा, कल तीसरा सीखा, तो मतलब रोज एक नया प्रोडक्ट आपको सीखना है। यस सर, ठीक है। और अगर आपको लर्निंग नहीं है तो कस्टमर के सामने आप कैसे पिच करोगे, कस्टमर के लिए कितना फायदेमंद है? कस्टमर के लिए कैसे है कि उसमें नए नए स्कीम्स आते हैं, नए प्लान्स आते हैं, कुछ डिस्काउंट्स आते हैं, तो प्री लॉन्च में ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स को तो प्रॉफिट है ही है। वेलकम टू रियल एस्टेट का रियल ज्ञान विद प्रॉप ज्ञानी गिरीश चलवानी। मैं हमेशा बोला करता हूँ, लर्निंग बढ़ाओ, अर्निंग अपने आप बढ़ जाएगी। तो आज हमारे साथ जो रियल एस्टेट के चैनल पार्टनर हैं, जिनका कंपनी का नाम है पैराडाइज रियल्टी, तो हर कोई अपने पैराडाइज में रहना चाहता है, हर कोई अपना एक पैराडाइज बनाना चाहता है, हर कोई अपना एक घर बनाना चाहता है जिसको पैराडाइज बोल सके। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं हमारे शो पे। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले पैराडाइज रियल्टी क्यों? कोई रीज़न नहीं है, मेरा नाम प्रदीप है। हाँ। और स्टार्टिंग वर्ड पी है। हाँ। तो पैराडाइज पी से स्टार्ट होता है और रियल इस्टेट के लिए पैराडाइज थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। तो आज हमारे को इंट्रो भी एक बहुत अच्छा मिल गया करने के लिए अपने वीडियो के लिए। थैंक यू। तो सर मेरा ये ना, मैं हमेशा एक वीडियो बनाता हूँ और हमेशा लोगों को बोलता हूँ, और मैंने जो आमिर खान है उनकी जो मूवी थी 3 इडियट, उसमें भी मैंने बहुत सुना था और उसको अमल भी किया है मैंने अपने लाइफ में, कि लर्निंग बढ़ाओ, अर्निंग अपने आप बढ़ जाएगी। आमिर खान भी बोलता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, मतलब अपना एजुकेशन, अपने स्किल सेट को बनाओ, सक्सेस अपने आप हो जाएगा, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। तो मैं वो चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि अपनी लर्निंग रोज 1% 2% इंक्रीज करूँ और कुछ एक प्रोडक्ट को लेके, अपने स्किल सेट को लेके उसमें एक सक्सेसफुल बनूँ। रियल इस्टेट के लिए नया सीखना, कंसल्टेंट के लिए नया सीखना, आज एक प्रोडक्ट सीखा, कल दूसरा सीखा, कल तीसरा सीखा, तो मतलब रोज एक नया प्रोडक्ट आपको सीखना है। यस सर, ठीक है। और अगर आपको लर्निंग नहीं है तो कस्टमर के सामने आप कैसे पिच करोगे? बराबर। कस्टमर के सामने आप कैसे बात करोगे? उसको चार ऑप्शन के बारे में नहीं बताओगे तब तक आपसे वो कन्विंस नहीं होएगा। राइट। तो कितना डिफिकल्ट टास्क है एक चैनल पार्टनर के लिए, एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए, ये चीज को कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना थ्रू आउट द लाइफ? क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में थे तो हम बोर हो गए थे पढ़ाई करते करते, ठीक है। मैं तो एक बार फेल हुआ था, पता नहीं फेल हुए थे कि नहीं हुए थे, बट मैं तो फेल हुआ था एक बार। तो इतना बोर हो जाते हैं, मस्ती चढ़ जाती है कि ठीक है यार अभी कितना पढ़ाई करने का है। बट आज हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे बढ़ना है, फिर पीछे आके सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, तभी सक्सेसफुल आदमी हो पाता है। तो एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए इसका इम्पोर्टेंस कितना है, और दूसरा आप इसको कैसे कर पा रहे हो? सर पहले तो ये फील्ड में जिसे आना है उसे बहुत सारा पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हर रोज़ आपकी डील होगी, हर रोज़ आपकी बातें होगी, हर रोज़ आपके पास जो लीड आ रहे हैं वो कन्वर्ट होंगे। शुरुआत तो बहुत धीमे होती है, आदमी बोर भी हो जाता है कि यार मैं कर रहा हूँ प्रॉपर वे में कर रहा हूँ या रास्ता भटका हूँ। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बस एक बार अगर वो हो जाता है, जैसे कि बुकिंग हो जाती है या स्टार्टअप हो जाता है, तो आपको तो पता है सर ये फील्ड में अच्छा खासा पैसा है, तो पैसा आदमी को बूस्ट कर देता है। तो बस आगे मोटिवेशन जो है वो पैसे से ही। सर आपने अपनी जर्नी रियल एस्टेट की कब चालू की? मेरे को लगता है हर कोई एक्सीडेंटल रियल एस्टेट में आ जाता है, भले डेवलपर हो या स्टेट एजेंट हो, मतलब उसने कभी सोचा नहीं रहता है, अनलेस मतलब उसका शायद फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट हुए तो बात अलग है, बाकी कोई सोच के या कॉलेज में कोई डिसाइड नहीं करता है कि यार मैं तो पता है चैनल पार्टनर ही बनूंगा, स्टेट एजेंट बनूंगा और पैसा कमाऊंगा। बट हाँ, जब काम करना चालू करता है, स्पेशली बैंकिंग इंश्योरेंस, जैसे मैं भी बैंकिंग इंश्योरेंस से हूँ,
तो हमेशा रियल एस्टेट बहुत बड़ा मार्केट लगता है, बहुत लुक्रेटिव लगता है, लोग बहुत कमाते हैं, और फिर इवेंचुअली आदमी हिम्मत करके रियल एस्टेट में जंप मारता है। और काफ़ी सारे चैनल पार्टनर्स की मैंने स्टोरीज देखी है और उनसे बात किया है, रियल एस्टेट एजेंट्स अक्रॉस इंडिया में बोलूँगा, तो हर किसी की जर्नी कहाँ ना कहाँ पर उसी तरह रही है। तो आपकी जर्नी कैसी रही है रियल एस्टेट में? अभी सर देखिए कैसे है कि अपने टीचर या गाइडेंस या अपने माता पिता कभी भी बच्चों को बोलते हैं कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा। हाँ। तो कोई डॉक्टर बोलेगा, इंजीनियर बोलेगा, बट कोई ये बोलेगा नहीं मैं रियल इस्टेट एजेंट या फिर ये चैनल पार्टनर बनूंगा। करेक्ट। ये मुझे ऐसे लगता है कि 90% लग बाय चांस से इसमें आ जाते हैं, कोई ऐसे डिसाइड करके नहीं आता। और मैंने पहले ही कहा कि इसमें पैसा ही आदमी को बूस्ट करता है, बस जस्ट पेशेंस रखना जरूरी है। तो वैसे ही शुरुआत मेरा कॉलेज जैसे ही पूरा हो गया कॉल सेंटर से स्टार्ट हुआ। कॉल सेंटर में बात करना, क्लाइंट को जानना, ये मुझे आ गया, वहाँ पे सिखा दिया। फिर जर्नी हो गई मुझे, मेरी स्टार्ट बैंकर्स हैं वहाँ पे, होम लोन, फिर चैनल पार्टनर्स का कॉन्टैक्ट वहाँ पे बढ़ा, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया। फिर बीच में एक बहुत बड़ा जो कोरोना वाला इंसिडेंस हुआ, 2-3 साल एकदम दुनिया रुक गई। फिर सोचा नहीं अभी बहुत हो गया, किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना है, क्योंकि अच्छे अच्छे सैलरी वाले जो थे वो कोरोना के टाइम पे उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो जिनके अंदर कुछ कला नहीं होती तो वो तो घर पे बैठ गए, बट जिनके अंदर कुछ कला होती है वो वहाँ से बूम कर गए। इन्होंने ना एक बहुत सही चीज़ बोली, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्स एक कला है, आर्ट ऑफ सेल्स, और अगर आपको आर्ट ऑफ सेल्स आता है तो उसका जो बेसिक होता है वो होता है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ गया तो सेल्स आपके लिए एक पीस ऑफ केक हो जाता है, सेल्स एक बहुत आसान चीज़ हो जाती है। दूसरा मेरे को लगता है सेल्स में वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो आदमी है जिसने ज़िंदगी में अगर टेलीकॉलिंग की है, बीपीओ में काम किया है, या मतलब टेलीकॉलिंग का जॉब किया है और सेल्स किया है टेलीकॉलिंग पे, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। कि मेरे को ऐसा लगता है कि फ़ोन पे बात करते करते आदमी का विजन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता है कि वो फ़ोन पे उसको विजुअलाइज करा के, ठीक है, या तो साइट विजिट करवा देता है या उसको प्रोडक्ट सेल कर लेता है। और रियल एस्टेट में अगर जब उसको वन ऑन वन मिलता है तो वो तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि कल तो यार मैं हवा में बेच रहा था, सपने में बेच रहा था उसको, आज तो एटलीस्ट मेरे पास टच एंड फील है, प्रोडक्ट है, क्लाइंट साइट पे आ पा रहा है, बिल्डिंग देख पा रहा है, बात कर पा रहा है मेरे से, ब्रोशर्स में एलिवेशन देख पा रहा है, तो क्रेडिबिलिटी बिकम्स हायर। यस, ठीक है, तो वो तो और सक्सेसफुल हो जाता है। और मेरे को लगता है आपका सक्सेस का रीज़न यही है, और आपको कहाँ ना कहाँ पे भले 10 साल के बाद या 12 साल के बाद एंटरप्रेन्योर का कीड़ा काटा सही। और मेरे को लगा कोविड में हम लोग को और एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि वो जो फियर था नौकरी का और जो फियर था सैलरी का, वो कहाँ ना कहाँ पे कोविड में छूट गया। तो जो आपके साथ आई थिंक जो आपने डिसीजन लिया है, आई एम श्योर कोविड में काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, और जो लास्ट 3 साल में भारत जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है स्टार्टअप्स में फंडिंग को लेके, आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोविड। यस यस। तो सर आपका जो रियल एस्टेट जर्नी रहा है वो मेरे ख्याल से छोटा ही रहा है, क्योंकि कोविड के बाद आपने चालू किया है, तो आपका एक्सपीरियंस पहला चीज़ मेरे को वो जानना है, आपकी फर्स्ट बुकिंग कैसे हुई, कब हुई, और मतलब मेरे को पता है रियल एस्टेट में सब कुछ सही नहीं चलता है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ठीक है, बुकिंग होते होते बुकिंग खा जाते हैं, कॉम्पिटिशन में टैगिंग इशू आ जाता है, मतलब दुनिया अलग चलती है, इंडिया में टैगिंग चलता है, स्पेशली बॉम्बे में, पुणे में टैगिंग चलता है सिस्टम, तो टैगिंग लोग खा जाते हैं, दूसरे चैनल पार्टनर के साथ क्लैश हो जाता है एक ही क्लाइंट, तो आपका जर्नी कैसा रहा है और इसको आपने ओवरकम कैसे किया? शुरुआत जो मेरी हुई वो अरिहंत करके एक प्रोजेक्ट है, ओके, भिवंडी में, वहाँ पे मेरे लाइफ का फर्स्ट सेल हुआ, और शुरुआत वाला झटका भी उधर ही से लिया, यानी जो होता है ना किसी में, यानी कि बॉक्सर अगर शुरुआत में बॉक्सिंग रिंग में उतरेगा तो पहले तो उसे मार खाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो किसी पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो नया रहता है, तो समझो मेरे पे अच्छे खासे पंच पड़ गए, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरे सोर्सिंग मैनेजर ने कहा कि डील नहीं हुई है, मेरे क्लाइंट ने भी बोला कि मुझे कुछ नहीं जमा,
बाद में मुझे पता चला कि वो डील हो गई है, और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे हेल्प की और फिर मेरी उनसे बात हो गई, अच्छा खासा नोकझोंक हुआ और फिर पैसे रिलीज हो गए। उसमें से भी अपने 2% रहते तो 1% मिले, बट ये शुरुआत था मेरा, यानी कि बोलते हैं ना लर्निंग स्टार्टिंग ही बहुत एकदम धूमधड़ाम से। स्कूल में तो रियल एस्टेट पढ़ा नहीं तो किधर ना किधर तो आपको फीस देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी तो समझ लीजिए। हाँ, वहाँ पे मैंने फीस दी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया, धोखा कहाँ पे है, अच्छा आदमी कैसे पहचानना है, धंधा करने के टाइम पे बात कैसे करना है, अपना वीक पॉइंट वहाँ पे नहीं छोड़ना, ये सब वहाँ पे फर्स्ट में एक्सपीरियंस में ही मुझे पूरा तरह आ गया। मेरे को तो लगता है जो लोग आज रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, स्पेशली चैनल पार्टनर, वो दो तरीके के एमबीए कर रहे हैं, एक एमबीए इन रियल एस्टेट क्योंकि रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, और दूसरा एमबीए इन फाइनेंस, जो कॉलेज में नहीं सिखाया फाइनेंस में वो रियल एस्टेट में आपको सिखा देता है। वो क्लाइंट से कैसे नेगोशिएट करना है, पैसा कैसे निकालना है, डेवलपर से कैसे पैसा निकालना है, क्या करना है। जहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर है उधर प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ कुछ जगह पे डेवलपर का इंटेंशन गलत नहीं है बट एम्प्लॉयज कुड बी, यस यस यस, तो या प्रोसेस इस जगह पे नहीं है, कहीं पे किसी का इंटेंशन इशू नहीं है बट प्रोजेक्ट गलत नहीं है, बंदा एक आधा कुछ गलत निकलता है जिसके वजह से प्रोजेक्ट का नाम खराब होता है, क्योंकि डेवलपर ये इंटेंशन से काम नहीं करते, उनका प्रोडक्ट अच्छा ही होता है, कहीं कहीं पे एक आध परसेंट जो खराब होता है जिसके वजह से पूरे कंपनी का नाम खराब होता है। इसके लिए डेवलपर ने जो टीम हायर की है तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी कभी कभी एक फेक क्लाइंट बना के वहाँ पे विजिट करके वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है ये जानना चाहिए, ऑडिटिंग। यस यस यस, तो उससे पता चलेगा कि अपना प्रोडक्ट जो जा रहा है वो सही हाथ में जा रहा है और सही सेल हो रहा है। जी सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग हैं जो यही काम में हैं बट वो ओल्ड फैशन से ही काम कर रहे हैं, यानी कि टेबल डाल के बैठे हैं, क्लाइंट आएगा फिर हम बात करेंगे फिर बुकिंग होगा। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी डिजिटल वर्ल्ड है, फ़ायदा उठाओ, बहुत सारे ऑप्शंस है, पोर्टल्स है, लीड्स है, डेटा कॉलिंग होती है, पीपीसी होता है, सोशल नेटवर्किंग होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, गूगल है अपने साथ और आपके जैसे पर्सन है हमारे साथ, तो इसका फ़ायदा उठाओ। ना कि वो ओल्ड फैशन करेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो 10-15 साल से जुड़े हुए, मगर मैं पिछले कुछ 2-3 साल में उनके कहीं आगे बढ़ चुका हूँ। यस सर। तो सर क्या होता है, मैं ये बोलूँगा कि वापस से कि लर्निंग बढ़ाओगे तो अर्निंग बढ़ेगी। मेरे ख्याल से आप भी शायद स्कूल या कॉलेज में तो डिजिटल सीख के नहीं आए थे, नहीं है। और आपने कॉरपोरेट जॉब की है तो उधर भी कोई डिजिटल का काम तो किया नहीं आपने, बैंकिंग इंश्योरेंस में, बट रियल इस्टेट में आप आके आपने डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो जैसे आपने बताया, तो आपने पहले लर्निंग की उसकी, राइट, और वो लर्निंग के वजह से आपकी अर्निंग बढ़ी है। यस। तो मेरा तो वापस से रहेगा कि प्लीज़ मेरा जाके आप रील देखिए, लर्निंग बढ़ाओ तो उससे अर्निंग बढ़ेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा नहीं, रोज़ 1% आपकी लर्निंग बढ़ानी है। परफेक्ट। अगर आप रोज़ 1% लर्निंग बढ़ाते हो, आपके धंधे के लिए कर रहे हो, धंधा 25-30-40 साल आप चलाने वाले हो ये बिज़नेस, कोई छोटा शॉर्ट टर्म तो है नहीं, नहीं। रोज़ 1% अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाते हो तो 365 डेज में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपन बात करते हैं, कंपाउंडिंग लर्निंग में बात कर रहा हूँ, 365 डेज में आपकी लर्निंग बढ़ जाती है 3,800%, राइट। और मैं भी वही कर रहा हूँ, मतलब हर रोज कंटेंट को कितना अच्छे से डिलीवर कर सकूँ, हर रोज रियल एस्टेट में जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक मेरा एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर सकूं, ये रोज मैं 1% आपके कई वीडियो हमने देखे हैं, उनसे हमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू, हेल्प होती है। और मैं बाकी रियल इस्टेट या चैनल पार्टनर से कहूँगा कि सर को फॉलो कीजिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलेंगी, जिससे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे अपने बिजनेस में जो प्रॉफिटेबल होंगे। करेक्ट। सर इसके अलावा मेरे को दूसरा ये जानना है कि आज एक दौर था जहाँ पे आपने जैसे बोला कि आज भी वो ओल्ड फैशन वे में काम कर रहे हैं,
फिर एक दौर आया जहाँ पे लैंडिंग पेज, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पीपीसी, हम ये बात कर रहे थे। अब एक दूसरा दौर आने वाला है जिसमें शायद आप और मैं भी पीछे हो जाएंगे, हम लोग को भी लोग 3-4 साल के बाद ओल्ड फैशन शायद बोलेंगे। वो दौर है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, और उसको सीखना समझना भी एक अलग टास्क है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आज आपके जो कलीग्स हैं जो ओल्ड फैशन वे में पीछे बैठे हुए हैं, आपका भी सिचुएशन या अपन जैसे कई लोगों का सिचुएशन वहाँ पे आ जाएगा और काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा? हो सकता है। वर्ल्ड डिजिटली बहुत ही आगे जा चुका है और इंडिया उसमें बहुत आगे है, तो फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जगह दूसरा कोई ध्यान देगा और वो फ़ायदा उठा लेगा। सर, टेक्नोलॉजी में जैसे आपने बोला ना, तो भारत तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मैंने मोदी जी का एक रील देखा था, तो उसमें मोदी जी ने बोला था कि आज US में 5 साल से लोग AI बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 5 साल से AI बोल रहे हैं। इंडिया में बच्चा पैदा होता है, खास करके महाराष्ट्र में, तो बचपन से ही बोलता है AI। और कहाँ ना कहाँ पे मतलब हमारे जो इसरो हैं उन लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सालों से यूज़ कर रहे हैं, बट आज तक कभी उसको बैंकिंग में और अदर सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उसका यूज़र बेस जो है, कंज्यूमर बेस जो है वो नहीं था। बट ये आस्ते आस्ते करके ग्रो हो रहा है, भारत एक आज अलग लेवल पे ग्रो हो रहा है टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब को लेके। इसका रियल इस्टेट में कितना इम्पैक्ट गिरेगा, आपके बिजनेस में कितना इम्पैक्ट गिरेगा? बहुत सारा इम्पैक्ट गिरेगा। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में ROI चेंज हो जाता है तो आदमी के अर्निंग पे फ़र्क पड़ता है। फ्लैट लेना है, उसका एक बजट फिक्स होता है, तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंकिंग भी पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अभी उसका सपना है, समझो 1 करोड़ का फ्लैट लेना, अगर इंडिया में अगर कुछ बड़ी हलचल हो जाए और अर्थव्यवस्था में गड़बड़ हो जाए तो वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ अगर जाए तो उसका सपना तो टूट जाएगा। बट अभी भारत जो वे में जा रहा है, जो लीडरशिप है, उससे ऐसे ही नहीं लग रहा है कि हमें ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। ये सेक्टर में पैसे इतने हो रहे, इतने बन रहे, क्योंकि आप देखेंगे बुकिंग कितने हो रहे। कल की न्यूज़ है कुछ 2560 बुकिंग्स हो चुके हैं कुछ 2-3 महीने में मुंबई सेक्टर में। अभी तो हम ठाणे में हैं, घोड़बंदर रोड तो पूरा बूम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बहुत है, जगह बहुत है जिससे हम कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। मुंबई में तो जगह ख़त्म हो गई है, पूरी हो चुकी है। तो मेरा वही कहना है कि जो मोदी जी है और उनकी जो टीम है, जो अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमिकली जो ध्यान दे रहे, उससे रियल इस्टेट जो है उसमें तो अच्छा खासा उछाल हुआ है। मतलब 400 सीट हासिल करने का मोदी जी का टारगेट है और हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी? और मैं ट्राई करूँगा ये वीडियो इलेक्शन के बाद ही रिलीज होए तो ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी जानना चाहूँगा कि रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आपके अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होएगा, हमारे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, वो क्या पॉलिसीज ला रही है, तो मोदी जी के जीतने के चांसेस आपको कितने लग रहे हैं इसमें? अभी देखो, सबका साथ सबका विकास, तो हर एक के दिमाग में विकास बैठा है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे जो प्रीवियस गेस्ट थे उनसे मैंने पूछा था कि इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो उसने बोला एक ही पार्टी तो लड़ रही है इलेक्शन, BJP, दूसरी कोई पार्टी तो मेरे को दिखती नहीं है। कमिंग बैक टू, आपने जिक्र किया थाने और मुंबई का कंपैरिजन, तो इसमें मेरे को आपको पूछना है कि मेरा एक कलीग है जिन्होंने घर बुक किया अंधेरी में, 1 करोड़ का टिकट साइज था 2016 में, आज उसका घर का वैल्यू हो गया 1.80 करोड़, ऊपर से अभी रिसेंटली रीडेवलपमेंट में गया है, तो कहाँ ना कहाँ पे उसको जो एरिया बढ़ के मिल रहा है तो उस वजह से उसका वैल्यूएशन 3 साल के बाद कहाँ ना कहाँ पे 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। बट आज भी अगर वो बेचना चाहे तो 2-2.25 करोड़ उसको मिल रहे हैं। विजा विज मेरे कज़िन ने हीरानंदानी में
हीरानंदानी एस्टेट जो है उसके बाजू में ही एक बिल्डिंग है नॉर्मल डेवलपर की, वहाँ पे उसने फ्लैट लिया था जो सेम 93 लाख का था। उसने वो 1 BHK लिया था, इसने 2 BHK लिया था कि मैं अंधेरी में 1 BHK में नहीं लूँगा, थाने में 2 BHK में रहूँगा। उसका वैल्यू आज भी 120 है। ओके तो थाना का डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हुआ है जिस लेवल पे बॉम्बे का डेवलपमेंट हो गया, या थाना का डेवलपमेंट होने के बावजूद वो अप्रिसिएशन नहीं आया जो बॉम्बे का आ गया। राइट तो जो आपका बोलना था कि थाने में और जगह है और डेवलपमेंट है, वो जगह होने की वजह से शायद प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, ये भी है। तो लोग थाने में आके क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर? थाने में इसलिए आना है, ये पहले तो राजीव गांधी उद्यान, दूसरा हमारे पास खुली हवा है, पहाड़ है, नदियां हैं, लेक्स हैं, और ठाणे लेक्स का यानी कि तालाबों का शहर माना जाता है। मुंबई में वो नहीं मिलेगा, मुंबई में ओनली सीमेंट वाला जंगल मिलेगा। मुंबई में जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसके वजह से लोगों को वहीं पे रहना है। जगह कम होने के वजह से बिल्डर्स डेवलपर्स उसका फ़ायदा उठा के रेट अपने हिसाब से दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारी जगह है डेवलपर को जहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से वो रेट बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ठाणे में अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ठाणे में ऐसा कोई डेवलपर या बिल्डर बचा नहीं है जो यहाँ पे है नहीं। हीरानंदानी पकड़ लीजिए आप, लोधा पकड़ लीजिए, पिरामल पकड़ लीजिए, कमर्शियल में स्क्वायर फीट ग्रुप है, भैरवा है, के ठाणे में अभी कोई बचा नहीं है। अगर बचा होगा तो फिर उनका बैड लक। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे रेट इसलिए नहीं है मुंबई से कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो ऑप्शंस है, वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, इसके वजह से वहाँ पे रेट हाई है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जितना गंदी चीज हो उतना हम ज़्यादा पैसा देते हैं। जैसे आप किसी को आप बर्गर रख दो खाने के लिए, जो जंक फूड है उसमें से काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज आते हैं, और किसी को बोल दो सैलेड खाने के लिए तो बर्गर खाएगा, सैलेड नहीं खाएगा। राइट सर। मतलब सिगरेट पे लिखा हुआ है कि सिगरेट हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, मौत हो सकती है, फिर भी सिगरेट पिएगा। सिगरेट पिएंगे, यस। तो हेल्दी लाइफ हर कोई प्रेफर नहीं करता है, इसकी वजह से इतना बड़ा प्राइस का अप्रिसिएशन रोक रहा है एक पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट को लेके। बट मेरे को लग रहा है कि थाने में कहाँ ना कहाँ पे कमर्शियल का डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो गया। मतलब लास्ट कपल ऑफ गेस्ट उन लोग भी थाने से ही थे, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तो वागले स्टेट, MIDC, हीरानंदानी कमर्शियल जो पूरा आ रहा है उस हिसाब से, तो डेवलपमेंट एक अलग स्केल पे जा रहा है कमर्शियल को लेके। और दूसरा, जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है तो लोग कम्यूट इतना दूर नहीं करना चाहते अभी। BKC, घाटकोपर, विक्रोली, मलाड माइंड स्पेस, ये सब जगह पे कमर्शियल हब्स में उतना ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते, तो ऑटोमेटिकली थाने में कमर्शियल का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। और तो इसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप यही लाइंस पे कर रहे हैं रिसेंटली? थाने में कमर्शियल का अच्छा स्कोप है, उसका रीज़न है कि वागले स्टेट ऐसा एक लोकेशन है जो मुंबई और थाने बाउंड्री पे है। तो अगर मुंबई की पब्लिक को अगर कहीं पे ऑफिस लेना है तो वो थाने में वागले स्टेट में ले सकता है, क्योंकि उनको वहाँ से काफ़ी नज़दीक है और थाने की पब्लिक तो लेगी। दूसरा रीज़न ये है कि वागले स्टेट में ट्रैफिक नहीं है। अभी मुंबई में जाना जाता है ऑफिस के लिए, ऑफिस पीस के लिए BKC, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिसेस हैं, बट वहाँ पे पहुँचना कितना हार्ड है आपको भी पता है सर, इतना ट्रैफिक है और धक्के खा के वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। ये सारा जो है वागले स्टेट में आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे रोड अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात है कि चलो आपने BKC में ऑफिस ले लिया, बट एम्प्लॉय कहाँ से लाओगे? एम्प्लॉय जो है वो कल्याण, डोंबोली, बदलापुर या नवी मुंबई से आएंगे, तो उनको वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत सारी तकलीफ होंगे। ट्रेन से आना है, कैब करना है, बस पकड़ना है, तो एम्प्लॉय थोड़ा सा इरिटेट होंगे। बट वागले स्टेट में लेने का फ़ायदा ये है कि आपको थाने से ही एम्प्लॉय मिलेंगे जो थाने से BKC जा रहे हैं, तो
आप ऑफिस ले रहे आपका ग्रोथ करने के लिए, बट आपके पास एम्प्लॉय नहीं रहेंगे अच्छे अच्छे तो आप ऑफिस लेके करेंगे क्या? तो यहाँ पे बीकेसी से ऑफिसेस शिफ्ट हो रहे हैं, उसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एम्प्लॉय है कि उनको इन हाउस जो है एम्प्लॉय मिल रहे हैं जिनको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। बट अगर बीकेसी में जाएंगे तो आपको मेट्रो चेंज करना है, ट्रेन चेंज करनी है, ऑटो चेंज करना है, बस चेंज करना है, तो इसमें ही उनका टाइम निकल जाता है और जॉब शिफ्ट कर देते हैं। तो उनको अच्छा ऑप्शन मिला है वागला स्टेट। अच्छा, वागला स्टेट में जो अभी रेट चल रहा है वो 15,000 के आसपास चल रहा है, ऊपर नीचे है। बट अगले 2 साल में, मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, अगले 2 या 3 साल में इसका रेट जो है 25,000 क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो वागला स्टेट में इन्वेस्टर जो है वो धड़ल्ले से यहाँ पे बुकिंग्स कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है। बट जिनको पता नहीं है तो वो वागला स्टेट पे थोड़ा ध्यान दे कमर्शियल पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट है। आप रेसिडेंशियल में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं 1 करोड़ डाल के, तो उसका रेंट आपको कितना मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 25,000। अच्छा, कमर्शियल में अगर वही कॉस्ट में आप प्रॉपर्टी लेते हो तो यहाँ पे 70,000 to 80,000 आपको कॉस्ट मिलती है ओनली बेयर शेल पे। अगर वही आप अगर फर्निश कर देते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम 1.25 करोड़ या 1.5 लाख के आसपास आपको रेंट मिलता है। तो रेसिडेंशियल का रेंट और कमर्शियल का रेंट आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि प्रॉफिटेबल धंधा कहाँ पे है और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा सारे इन्वेस्टर्स को, या फिर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो आप वागला स्टेट पे ध्यान दो और कमर्शियल प्रोडक्ट पे, प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। ये प्री लॉन्च मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है? मतलब सारे चैनल पार्टनर, हम लोग सारे मार्केटिंग वाले बोलते हैं प्री लॉन्च है, आ जाओ ले लो, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स लोग को भी ऐसा लगता है कि बस बोलने की बात है। बट ये पूरा साल तो यही रेट में ईजिली प्रॉपर्टीज़ मिलती रहती है, ठीक है? तो आपका इस पे क्या सजेशन रहेगा व्यूअर्स को, और आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? सिंस आपने अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 साल से रियल इस्टेट ज्वाइन किया है, आप काम कर रहे हो, आई एम श्योर आपने भी काफ़ी सारे लॉन्चेस में काम किया रहेगा, तो आपका एक्सपीरियंस ये चीज़ में क्या है? प्री लॉन्च एक्चुअली थोड़ा सा बूस्टिंग है, जिसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ता है, सोर्सिंग मैनेजर अच्छे कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके टीम के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो प्री लॉन्च अच्छी बात है, क्योंकि कस्टमर के लिए कितना फ़ायदेमंद है? कस्टमर के लिए कैसे है कि उसमें नए नए स्कीम्स आते हैं, नए प्लान्स आते हैं, कुछ डिस्काउंट्स आते हैं, तो प्री लॉन्च में ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स को तो प्रॉफिट है ही है। जैसे कि अभी गुड़ी पाड़वा में बहुत सारे प्रोडक्ट ने जो है प्रॉपर्टीज़ ने 3-4 लाख का डिस्काउंट भी दिया था, कुछ गिफ्ट वाउचर रखे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, वागला इस्टेट में भैरव माइलस्टोन प्रॉपर्टीज़ है, प्राइम लोकेशन पे है, मेरा उनके साथ अच्छा खासा बिजनेस हुआ है, मेरे क्लाइंट बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने जो रेट में लिया था, पिछले 1 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी, आज के टाइम उसकी प्रॉपर्टी की जो हाइट है वो 30% बढ़ गई है एक ही साल में, आगे और 2-3 साल भी प्राइसिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अगर वो रीसेल भी करते हैं खुद की प्रॉपर्टी तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो भैरव माइलस्टोन का बात यह है कि उनका कंस्ट्रक्शन अच्छा है, टीम अच्छी है, वहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलता है, और कॉस्टिंग में निगोशियबल बढ़िया मिलता है, जिससे क्लाइंट खुश हो जाता है। मैं कहूँगा कि उनको बेस्ट ऑप्शन है भैरव माइलस्टोन में आके ऑफिस ले लें। आज इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, भले भैरव ले लो या वागला स्टेट में कोई दूसरा ले लो या कोई भी लोकेशन में आज कोई इन्वेस्टमेंट करता है, भारत जिस तेज़ी से भर रहा है, ग्रोथ जिस तेज़ी से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है, क्या अप्रिसिएशन आपको लग रहा है कि अगले 3 साल में, क्योंकि आज किसी का पेशेंस तो रहा नहीं है 5 साल 10 साल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ, उससे ज़्यादा ईजिली आदमी स्टॉक मार्केट में कमा लेता है, तो 3 साल में क्या अप्रिसिएशन लग रहा है आपको? सर, बीकेसी में जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप वो वागला स्टेट में आ रहे हैं। ओके, तो बड़े बड़े ब्रांड अगर वागला स्टेट में आएंगे तो रेट तो अपने आप बढ़ेगा ही।
उसके लिए कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, 2-3 साल का टाइम देना है, बाद में प्रॉफिट तो आपके हाथ में है ही। तो बात यही है कि वागला स्टेट में ब्रांड आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस आ रहे हैं, जिसके वजह से वागला स्टेट भी ग्रोथ हो रहा है और क्लाइंट भी अच्छा खासा प्रॉफिट में आ रहा है। इन्होंने इतना आसानी से समझा दिया ये इन्वेस्टमेंट जर्नी, जैसे हम बोलते हैं बस बच्चा पैदा करना है, उसको स्कूल में डालना है और बस 15 साल में ग्रेजुएट होकर बाहर निकल जाएगा और काम पे लग जाएगा। बट आई एम श्योर इसके पीछे की जर्नी उतनी डिफिकल्ट है क्लाइंट के लिए भी, एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए भी। और मैं प्रॉप ज्ञानी गिरीश छलवानी ऐसे ही एपिसोड्स लाता रहूँगा जहाँ पे हम रियल एस्टेट की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे रियल एस्टेट को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड विद प्रॉप ज्ञानी गिरीश छलवानी, एंड थैंक यू सो मच प्रदीप जी टू कमिंग टू अवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।